दोस्तों, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर और मनमोहक पक्षी है। मोर के बड़े बड़े रंग बिरंगे खूबसूरत पंख हर किसी का मन मोह लेते हैं। इस अनोखे पक्षी को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई पूर्वी एशियाई देशों में ये पाए जाते हैं। सांस्कृतिक और पौराणिक रूप से भी ये पक्षी काफी महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि मोर और मोरनी दूसरे पक्षियों की तरह संभोग नहीं करते। मोर के बारे में ऐसी और भी कई बातें हैं जिसे आम तौर पर लोग अच्छी तरह नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में आपको मोर की सारी जानकारियां पता चल जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको मोर मोरनी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिसे आज तक YouTube या Google पर भी किसी ने सही तरह से नहीं बताया होगा। 26 जनवरी 1963 को मोर के मनमोहक रूप, रंग और उसके अद्भुत गुणों को देखते हुए उसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तभी से हम मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जानते हैं। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और म्यांमार देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। इस अद्भुत और खूबसूरत पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है और मोर भारत के लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। बड़े आकार के इस पक्षी की लंबाई 100 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक वयस्क नर मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा मोर अधिकतम 4 किलो तक हो सकती है। बसंत ऋतु आते ही मोर सक्रिय हो जाते हैं और अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचना शुरू कर देते हैं। इनके सिर पर उल्टे झुमके की तरह लगी इस संरचना को कलगी कहा जाता है। दोस्तों, मोर ज्यादातर खुले इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां पर पेड़ पौधे व बगीचे होते हैं। इन्हें हरियाली काफी ज्यादा पसंद होती है। मोर लगभग 1.5 मीटर लंबे पंखों के साथ धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में मोर की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन दोस्तों आप आज इन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ही देख सकते हैं। मोर सर्वाहारी होते हैं, इसलिए अनाज, फल, बीज और छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खाते हैं। मोर छोटे छोटे सरीसृपों को भी खा लेते हैं, जैसे सांपों के बच्चे, तितली, मक्खी, चूजे और चूहे। मोर के पंखों में 200 से ज्यादा चमकीले रंग मौजूद होते हैं जो धूप में चमकते हैं। इनके पंखों में आंख की तरह बने धब्बे मौजूद होते हैं जो काफी आकर्षक होते हैं। नर मोर मादा मोर की अपेक्षा ज्यादा सुंदर होते हैं क्योंकि उनके पंख ज्यादा लंबे व सुंदर होते हैं, जबकि मादा मोरनी के पंख छोटे होते हैं। मोर अगस्त सितंबर में अपने पुराने पंखों का त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे उसी स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। हिंदू धर्म में मोर पंख को धर्म से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं। मोर की अधिकतम आयु सीमा 25 साल तक होती है। दोस्तों, मोर के पास भी दूसरे पक्षियों की तरह पंख होते हैं, लेकिन वे दूसरे पक्षियों की तरह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। ये बस पेड़ की शाखाओं या किसी ऊंची जगह पर दूसरे शिकारी जीवों से खतरा होने पर उड़कर बैठ जाते हैं। इनका ज्यादा समय जमीन पर ही बीतता है। मोरनी कभी घोंसले नहीं बनाती, बल्कि जमीन पर ही कहीं सुरक्षित स्थान देखकर अंडे दे देती है। कई लोग लालच में आकर इसके अंडों को उठा लाते हैं और उन्हें पकाकर खा जाते हैं। दोस्तों, इन अंडों में इतनी गर्मी होती है कि इन्हें खाने वाला व्यक्ति मरने से बचता है और वह तौबा कर लेता है कि अब जीवन में मोरनी के अंडों को खाने की गलती नहीं करेगा। दोस्तों, मादा मोर एक बार में 4 से 12 अंडे तक दे सकती है। इन अंडों से बच्चा निकलने में 27 से 30 दिन तक लग जाते हैं।
दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि मोर और मोरनी संभोग नहीं करते, बल्कि मोरनी मोर के आंसुओं को पीकर गर्भवती हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। मोर और मोरनी भी अन्य पक्षियों की तरह संभोग करते हैं। चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कि मोर मोरनी के साथ संभोग कैसे करता है। पौराणिक कहानियों में मोर को ब्रह्मचारी बताया जाता है। कई बार वैज्ञानिक और दूसरे लोग मीडिया के सामने ये जाहिर कर चुके हैं कि मोर ब्रह्मचारी होता है, वो कभी मोरनी के साथ मिलन नहीं करता। अब आपने भी सोचा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर ये प्रजाति चल कैसे रही है। इसका जवाब खोजने पर पता चलता है कि मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। इस आंसू को मोरनी अपने मुंह से चुगती है, इसके बाद वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। जब मोर के रहन सहन पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि मोर भी अन्य जीवों की तरह संभोग करते हैं। मोर एक साथ झुंड में रहने वाला पक्षी है। अन्य पक्षियों की तरह मोर भी मादा मोर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बार बार मोरनी को छेड़ता है और नाचता है। इस पक्षी का संभोग काल जनवरी से सितंबर के बीच में होता है। मोर मोरनी को रिझाने के लिए जब डांस करता है तो मोरनी की नजर मोर की तरफ ही होती है। कुछ समय बाद मोरनी मदमस्त होकर बैठ जाती है और मोर एक विशेष तरह की आवाज निकालते हुए कुछ ही सेकंडों में संभोग कर लेता है। दोस्तों, वैसे तो मोर का शिकार करना कानूनी अपराध है। इसे मारने या किसी तरह का चोट पहुंचाने पर कठिन सजा का प्रावधान भी है, लेकिन बहुत से इलाकों में इनके पंखों के लिए इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। इनके पंखों से कई तरह के सजावटी सामान बनाए जाते हैं और इनके पंखों का प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। पंखों के कारण ये बेचारे मारे जा रहे हैं, जिससे मोर की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर आप किसी को इस पक्षी का शिकार करते हुए देखें तो तत्काल पुलिस में सूचना दें। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।